मैं बुलाऊंगा भाई आसिफ इकबाल को कि वो आए और वो अपनी बात रखे। आसिफ इकबाल भाई चाबियां तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग? लेकिन मेरे ऊपर बहुत पाबंदी है बोलने की। दिल्ली पुलिस ने दो दो FIR कर रखा है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस सब ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बचा हूँ। लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया है। और जिस दिन मैं बताऊं कि मैं रंगा बिल्ला के यहाँ भी गया था गुजरात में, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि जो आंदोलन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ वो आज देश के कोने कोने में लड़ा जा रहा है। मैं सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उन सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं, उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। मैं जामिया से निकलकर जब शाहीन बाग पहुंचता हूं तो शाहीन बाग की उन माओं को सलाम करता हूं, उन बहनों को सलाम करता हूं जिन्होंने जामिया पे अटैक होने के बाद सबसे पहले घरों से निकलकर आई और सड़कों को जाम किया। अब मैं यूपी पहुंचता हूं, कानपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, तो मैं वहां पहुंचे हुए उन तमाम शहदा को सलाम करता हूं जिन्होंने कुर्बानी दी है और ये बतलाया है, आपके लिए ये मैसेज छोड़ा है कि हमने कुर्बानी दी है, जरूरत पड़ी तो आप और हम सब मिलकर कुर्बानी देंगे। जब मैं बिहार की सरजमीन पे जाता हूं तो वहां पे मुझे आमिर हमजला शहीद के फादर से मुलाकात का मौका मिलता है। आमिर हमजला 17-18 साल का जवान था, देश को बचाने के लिए, देश के लोगों के लिए, आपको बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और मैं सलाम करता हूं उनके वालिद को कि वो आज भी सड़कों पे हैं और फुलवारी शरीफ में आज भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं जब वापस दिल्ली आता हूं, सबने तस्करा किया हमारे साथियों ने, 4 महीने 1 दिन की बच्ची जो हमारे जामिया के प्रोटेस्ट में रोज आकर बैठा करती थी वो हमारे बीच से रुखसत हो गई। मैं उसके घर गया था, उसके घर पे उसकी माँ का जो जुमला था फवाज ने आपके सामने रखा। मैं आज जब सुबह सुबह सोकर उठा तो देखा कि फोन पे मिस कॉल पड़ी है उनकी अम्मी की। मैंने फोन कॉल बैक किया उनको, उसकी अम्मी रो कर कहने लगे आसिफ भाई घबराहट हो रहा है। मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई है ही नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा है, मैं भी इस दुनिया से नहीं रहूंगी, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? उसने कहा आप मुझे इजाजत दे दो कि मैं फिर से आंदोलन में जाके बैठना शुरू कर दूं। मैं कहा ठीक है, आज से आप शाहीन बाग चले जाइए क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैंने जामिया का प्रोटेस्ट थोड़ा हल्का करवाया है क्योंकि जामिया में लोगों की नजर है और वो मेन रोड है, तो इलेक्शन की वजह से 7 और 8 तारीख का जो दिन होगा यानी कल का और परसों का, उस दिन जामिया में थोड़ा हम लोग हल्के में ही रखेंगे। लेकिन जैसे ही 7, 8 और 9 गुजरेगा, 9 को लोगों को बुलाएंगे और 10 को फिर पार्लियामेंट मार्च करेंगे क्योंकि 11 तारीख को पार्लियामेंट खत्म हो रहा है, अभी पार्लियामेंट चल रहा है और खत्म होने से पहले फिर एक बार मार्च करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आप ये काला कानून वापस लो। ये तमाम चीजें, ये तमाम कुर्बानियां और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से कुर्बानियां दी जा रही हैं,
मुझे उम्मीद है कि ये कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। मैं आज मध्य प्रदेश की धरती पे हूँ, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, आपके जिंदा दिली को सलाम करता हूँ। ठंड है फिर भी आप जमे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आंदोलन चल रहा है। मैं कल भी था मध्य प्रदेश में, सुबह भी एक जगह पे प्रोग्राम था, फिर आपके बीच आया हूँ। हर जगह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, मैं चाहता हूँ वो आपके सामने रखें। आप जॉब पे भी जाइए, आप पढ़ाई भी कीजिए, जो माए बहने हैं वो घर पे भी जाएं, लेकिन आंदोलन को कमजोर मत होने दीजिए। आंदोलन को पिकनिक का गढ़ मत बनाइए। आंदोलन कुर्बानियों से होती है। मैं 1400 साल पुरानी तारीख नहीं बताऊंगा कि वो किनकी है, सबको पता है कि वो हमारी है। लेकिन जब 1400 साल पुरानी तारीख का मुताला करेंगे आप, तो आपको पता होगा कि फाका क्या चीज होती है। आप आंदोलन की कमी हो गई है, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम लोग खाने में बर्बाद हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा, खाना मुयस्सर है, वक्त है, टाइम है, जरूरत है, उस वक्त खाया जाए, उस वक्त पिया जाए, सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन के तरीके से। आप जब जंगे वक्त का वाक्य उठाकर देखेंगे तो अल्लाह के रसूल ने नसीहत किया था सहाबा कराम से कि आपको जगह मत छोड़ना, लेकिन सहाबा कराम ने ये सोचा कि हमारी फतेयाबी हो गई है, उन्होंने जगह छोड़ा तो बाद में नुकसान उठाना पड़ा। तो आपको सिस्टमेटिक वे में चलना होगा, आपको सिस्टम बनाना होगा, आपको तरीके से चलना होगा। आपको पता चलना चाहिए कि आप आंदोलनकारी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप इस देश को बचाने के लिए निकले हैं, पता होना चाहिए कि इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए निकले हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली कमर, डॉक्टर जाकिर हुसैन और शेख मुईन के खाबों को बचाने के लिए निकले। अगर आप यूं ही आवारगी में अपनी उम्र को गुजारेंगे, 70 साल से मुसलमानों ने यही किया, 70 साल से। आज जो मुसलमान सड़कों पे, नतीजा ये है कि हमने 70 साल से अपनी जिंदगी सिस्टमेटिक वे में नहीं गुजारा। बाल इधर बिखरे पड़े होते हैं, लोग अजीब और गरीब शक्ल बनाए होते हैं, लोग लगता नहीं है कि एक मुसलमान, क्योंकि मुसलमान इलाके से या मुसलमान फैमिली का बंदा है। आप सरकार हमें कमजोर करने में लगी है, हमारी गलियां खराब है, हमारे सड़कें खराब हैं, हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हम वो चीज सही कराएं या फिर आप लोगों को सही करें? सवाल ये है। आप और हमको ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को सिस्टमेटिक वे में लाएं, प्रॉपर तरीके से एक बेहतर जिंदगी गुजारें। आप एक रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपके यहाँ आपके इस इलाके से कितने आईएएस अफसर हैं, आपके इस इलाके से कितने वकील हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, जो आपके लिए काम कर सके, आपके फायदे के लिए काम कर सके। मुझे अफसोस होता है, मैं आपको बताऊं, मैं अपने इलाके से अकेला बंदा हूं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ता हूं, अकेला बंदा हूं पूरे गांव से। सारे लोग जॉब पे लग जाते हैं, मैकेनिकल का काम करते हैं, गैरेज में जाके गाड़ियों का काम करते हैं, मुझे अफसोस होता है। जबकि उनकी माशी हालत, इकोनॉमी हालत, उनके फादर्स के जो लड़के हमारे एज के हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे अब्बू से ज्यादा अच्छी है। तो फिर भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास, हम आपसे ये नहीं कह रहे लोग कि आप अपने बेटे को हाफिज ही बनाइए, आलिम ही बनाइए, मैं ये कहता हूं कि आप अपने औलाद को इंसान बनाइए। तभी हिंदुस्तान बचेगा, तभी ये लड़ाई आप जीतेंगे, तभी ये लड़ाई हम जीतेंगे। अगर हम इसी तरह करते रहे तो हम और आप, ये लड़ाई जिस तरह से पिछले 70 सालों से हमने बाबरी मस्जिद खोया, हमने 53 तलाक में छेड़छाड़ देखे, हमने कश्मीर के 370 देखा, हमने गाय के नाम पे शहीद होते अपने भाइयों को देखा, तो इस देश में आपको दोम दर्जे का नागरिक बनते हुए भी हम लोग देखेंगे, हम भी बनेंगे, आप भी बनेंगे। क्योंकि ये जो लहर चली है उसमें ना तो पढ़ा लिखा इंसान बचेगा, ना तो जाहिर इंसान बचेगा, सब उस लपेट में आएंगे।
आपको सिस्टम में जाना होगा, आप करिए सिस्टम में जाइए, सिस्टम में जब जाएंगे अंदर जाएंगे तो फिर आप अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, वरना वैसे नहीं कर सकते। वक्त है हमारे पास, अभी भी वक्त है, वक्त खत्म नहीं हुआ है, हमें लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने ये लड़ाई छेड़े, आप 70 सालों के बाद घर से बाहर आए, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, इसका मकसद आपके सामने वाजे है कि सरकार जो काला कानून CAA लेकर आई है उसकी वापसी होनी चाहिए। NRC आसाम में हुआ है, पूरे देश में नहीं होगा। NPR का जो आप जनगणना का बहाना बना रहे हैं वो नहीं चलेगा। आप जिस तरह से रंगा बिल्ला गुमराह करने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस देश में अभी जो नोटिफिकेशन आया है और 4,000 करोड़ रुपए का बजट भी आ गया है कि इस देश में NPR होगा। मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूं और मध्य प्रदेश की सरजमीन से मध्य प्रदेश की सरकार से ये कहना चाह रहा हूं, आपने बयान लाया, आपका नोटिफिकेशन आया, हमने भी पढ़ा कि आपने ये कहा कि CAA हम अपने यहां लागू नहीं करेंगे, हम उसका वेलकम करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं आपका। लेकिन सवाल ये है कि देश में CAA अभी लागू नहीं हो रहा है। देश में CAA तब लागू होगा जब NRC होगा, और जब NRC तब होगा जब NPR होगा। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से कि वो पहले NPR से बात करे और ये बताए कि इस राज्य में NPR लागू नहीं होगा। आपको सवाल करना होगा उन लोगों से, उन सेकुलर पार्टियों से जिन्होंने अब तक आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। आपको उनसे पूछना होगा जिनको आपने वोट दिया है, अगर आपके गलियों में, आपके चौराहों में, आपके मोहल्ले में आते हैं, उनका दामन पकड़ के पूछिएगा कि क्या हमारे राज्य में NPR होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसके लिए क्या प्रूफ है, और होगा तो क्यों होगा, क्या हम आपको इसी दिन के लिए बैठाए थे? तो आपको सवाल करना होगा। अगर आप सवाल नहीं करेंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको नुकसान होगा। NPR को आपको पता है, ये सरकार कह रही कि जनगणना है। जनगणना क्या होता है कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना है, इसकी जनसंख्या कितना है, उसका पता लगाया जा सके। हम कहते हैं हर 10 साल में जनगणना होता है, होना चाहिए, ताकि हमारे देश का पॉपुलेशन पता चलते रहे और ये भी पता चले कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जनगणना होते रहना चाहिए। लेकिन आप 2014 में सरकार में आए, आते ही आपने जो केस आधार कार्ड का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसको आपने ये करवाया कि पूरे देश के नागरिक को, इस देश में जितने लोग रहते हैं या वो जो अब पैदा हुए हैं, उन तमाम लोगों को आधार कार्ड बनवाना होगा। हमने कहा ठीक है, उसको ID प्रूफ के तौर पे माना जाएगा, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा आधार कार्ड को। आधार कार्ड बनता है उसका एक डेटा होता है, अगर आपने बनवाया तो आपके एरिया का डेटा, हमने बनवाया, अगर किसने जिसने भी बनवाया है वो सब डेटा है, और डेटा नंबर वाइज होता है, और नंबर को अगर एक्सेल में डालिएगा तो हिंदुस्तान की जनसंख्या का पता चल जाता है। अगर आपको ये करना नहीं होता है, नहीं आता, तो हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को दे, हमें एक्सेल चलाना आता है, हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है। आप बेवकूफ बनाते हैं, आपने जो आधार कार्ड कराया था उसका डेटा आपने चोरी करवा दिया, रफेल का डेटा आपने चोरी करवा दिया, तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, और आप इस देश में NRP ला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और NRP ही कहा गया, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ NRC, तो जो NPR होगा उसका फर्स्ट स्टेप है NRC। आप जब NPR पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप इस भूल में मत रहे, इस गलतफहमी में नहीं रहे कि यह सिर्फ जनगणना है। दूसरी चीज NRC, अब NRC है ये कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट आप NRP में सबमिट करेंगे उसमें से अगर आपको सरकार ये कहेगी कि ये जो है आप, भाई थोड़ा सा खामोश हो जाइए, थोड़ा सा खामोश हो जाइए, तो जो
इस देश में जब एनआरसी होगा और एनआरसी का डेटा उसी वक्त बनेगा जब एनपीआर होगा और आपके एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो आपके नाम के आगे डी लगा दिया जाएगा, यानी आप डॉट फुल सिटीजन हो जाएंगे, डॉट फुल नागरिक हो जाएंगे। जैसे ही आप डॉट फुल नागरिक होंगे आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, और जब आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह अधिकार तमाम मजहब के मानने वाले लोगों के साथ होगा, उसमें हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होगा, दलित भी होगा, पारसी भी होगा, आदिवासी भी होगा, जैन भी होगा, बुद्धिस्ट भी होगा, तमाम लोग होंगे जो डॉट फुल सिटीजन के लिस्ट में आएंगे। लेकिन तमाम मजहब के मानने वाले लोगों को सीए के जरिए नागरिकता मिल जाएगी, मुसलमानों को सीए के जरिए नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि यह लड़ाई मुस्लिम आइडेंटिटी की है, यह लड़ाई मुसलमानों की पहचान की है, यह लड़ाई मुसलमानों की वजूद की है, यह लड़ाई उन आने वाली नस्लों के लिए है जो आपसे उम्मीद लगा के आएगी। अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो नुकसान सबका होगा। इसलिए आने वाले, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले नस्लें आपके लिए दुआएं मगफिरत करें तो आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें, वक्त दें, टाइम दें। आंदोलन हम आज जामिया हमारे ये खबर मतलब कि साथियों ने बताया, मुझे अफसोस है कि हम लोग आए हैं तो आप लोग आए हैं, वरना इसी तरह पंडाल लगे हैं, बहुत कम लोग तादाद होती है। तो प्लीज हम जामिया वाले आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम जामिया से अगर आए हैं तो हम आपके या जामिया या एमयू या अलीगढ़ आपकी लड़ाई लड़े ये मुमकिन नहीं है, और इनकी औकात भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है कि हम आपकी लड़ाई लड़े। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, ना जामिया वाले लड़ सकते हैं, ना एमयू वाले लड़ सकते हैं, वो ऑलरेडी टारगेटेड है, और ना आपने जिनको 70 सालों से वोट दिया वो सेकुलर पार्टियां, और ना दूसरे कास्ट के लोग आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ना दूसरे मजहब के मानने वाले। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़े। हर लोग योगदान दे, हर लोग वक्त दे, हर लोग टाइम दे, हर लोग आंदोलन को मजबूत करने में जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, ये जो है आंदोलन को चलाए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाइए। मैं वादा करता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाता। आपको बताएं मैं क्यों इतने हौसले से, इतने उम्मीद से ये बात कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, देश में अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, तो जो आजादी की लड़ाई का शुरुआत होता है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से होता है। जब खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से होता है। इसलिए इस मुल्क को आजादी मिली है उसी सरजमीन से, उसी मौलाना मोहम्मद अली चौहान की काविशों से, उनके नतज से, मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन की मेहनतों से, महात्मा गांधी के आइडियाज से। तो जामिया से आवाज उठी है, तो मुझे उम्मीद है कि सीए भी वापस होगा, एनआरसी भी वापस होगा, और एनपीआर भी लागू नहीं होगा। आपको लड़ना है इसलिए क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद की। बात सिर्फ इतनी है कि इस लड़ाई में क्या सिर्फ मुसलमान है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 तारीख को जो घटना होती है, और उस घटना में जिन 3 साथियों का एफआईआर में नाम होता है, उसमें हमारा एक साथी चंदन कुमार भी होता है। तो चंदन कुमार हिंदू है, लेकिन हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, इसलिए कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाला है, वो गांधी के ख्वाब को पूरा करने वाला है, वो गोडसे का इनकार करने वाला है, वो नाथूराम गोडसे को नहीं मानता है, वो गांधी के आइडिया को फॉलो करने वाला है, इसलिए वो हमारे साथ। इसी तरह हमारे सिख भाई भी जामिया से लेकर शाहीन बाग तक 3-3-4-4 हजार 5-5 हजार पंजाब से चलकर आती है,
वो भी हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। इसी तरह हमारे दलित भाई, आपको पता होगा कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने जेल गया था तो वह चंद्रशेखर रावण। मैं उनके बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं करता हूं, बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन जो काम उनका अच्छा है उनको बोलना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे साथ हमारी इस लड़ाई में साथ। जब आंदोलन चला तो आपको बताएं इसको तोड़ने की भी साजिशें हुई। साजिश इस तरह से हुई कि जब हम 30 तारीख यानी 30 जनवरी अभी कुछ ही दिन गुजरा है, हम बाहर निकले तो गोपाल नाम का एक लड़का मेरे एक हाथ डिस्टेंस में खड़ा होता है और ये कहता है कि आओ मैं तुमको आजादी देता हूं। और हमारा एक साथी शादाब जो कश्मीर से जामिया पढ़ने आता है, मास कॉम का स्टूडेंट है, जर्नलिज्म कर रहा था, उसके हाथ में गोली लगती है और उसमें गोली को लगते हुए अपनी आंखों से देखता हूं। तो वो क्यों आते हैं? ताकि हमारे इस आंदोलन को कमजोर कर सके, उसको तोड़ सके। जब यहीं पर खामोश नहीं होते हैं, फिर एक लड़का आता है, वो शाहीन बाग में आके दो राउंड फायरिंग करता है और फिर ये कहता है कि यहां सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। ये कहते हुए वो फिर उसको पुलिस इज्जत से पकड़ के ले जाती है। फिर बुर्का पहनकर कपड़े से पहचानेंगे साहब, कपड़ों से। रंगा बिल्ला ये कहता है कि कपड़ों से पहचानेंगे, हमने आज तक किसी को कपड़े से पहचानने की कोशिश ही नहीं किया। जामिया वालों के पास कोई कपड़ा नहीं, अलीगढ़ वाले शेरवानी भी पहनते हैं, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं, हम जो चाहे वो पहन के आ जाते हैं, लेकिन कपड़ा होता है, आप हमें नहीं पहचान सकते कपड़ों से। तो बुर्का पहनकर एक औरत शाहीन बाग में आती है और हमारी औरतों को बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं उन माओ बहनों को सलाम करता हूं कि उन्हें भी भांप लिया कि ये तो हमारे बीच की नहीं है, बुर्के में तो क्या हुआ, पकड़ लेती है और फिर उसे सवाल जवाब करती है तो वो खामोशी अख्तियार करती है। फिर जामिया में फायरिंग होता है। जब जामिया में फायरिंग होता है दो राउंड रात के 12 बजे मैं लेटा होता हूं, प्रोग्राम करके वापस जाता हूं और लेटा होता हूं, देखता हूं कि मोबाइल खोला, देखा मैसेज आया, मैं फौरन भाग के जामिया पहुंचा तो जामिया पे SHO जो जामिया नगर थाना का जो SHO है वो आके कह रहा मैं पकड़ रहा हूं 2 घंटे में। मैंने कहा ठीक है आप 2 घंटे में पकड़ रहे हैं, हम 2 घंटे तुम्हारा थाना घेराव करेंगे, जब तक तुम पकड़ के नहीं लाओगे तब तक थाना में के पास ही बैठेंगे और जब तक तुम FIR नहीं करोगे। हमने फिर थाना घेराव किया। दूसरे दिन मेरी हाजिरी थी क्राइम ब्रांच में, क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया था, मैं वहां गया और जब वहां से वापस आया तो जामिया नगर थाना का जो SHO है वो बार बार फोन करके मुझे बोल रहा कि तुम थाना चले आ, 8 बजे रात में तुमसे मिलना है, बात करना है। हमने अंदर अंदर पता लगाया तो पता चला कि रात में जो मैसेज छोड़ा था कि थाना का घेराव करने जा रहे हैं तब आ जाओ, उसी मैसेज के लिए को अरेस्ट करना चाहता है। हमने कहा पकड़ तो ना पाओगे तुम, हम निकले अहमदाबाद नहीं सॉरी मध्य प्रदेश निकल आए, ठीक है तो मध्य प्रदेश निकल आया, पकड़ नहीं पाए हैं और नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हम गलती नहीं कर रहे हैं, हम वो बात भी नहीं बोल रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए, हम तमाम लोगों को जोड़ने की काम हमेशा से किया है, मुसलमानों का काम ही यही रहा है कि मुसलमान सबको लेकर चले, साथ में लेकर चले। अगर हम और आप, हमारे साथ हमारा दलित भाई भी आएगा, आदिवासी भाई भी आएगा, सबके लिए हमारा दिल में जगह है, हम किसी को भी अपने दिल से अलग नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, हमारा विजन यही है, हमारा टारगेट है कि हम एक साथ बैठेंगे नहीं तो अपनी बात अपनी दावत का काम कैसे पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ हमारे जामिया कैंपस में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी स्टूडेंट विंग होते हैं, बहुत सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग है, मैं अकेला बंदा हूं जिनका सबके साथ उठना बैठना होता, सब कंफ्यूज रहते हैं आपस में कि भैया ये बंदा क्या, NOCI वालों के साथ भी बैठता है, ABBP वालों के साथ भी बैठता है, लेफ्ट वालों के साथ भी बैठता है, राइट वालों के साथ भी बैठता है, रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारा जो विजन है वो दावत का काम है और हम इसलिए पीछे हैं कि जितनी मुस्लिम जमाते हैं उस सब ने पिछले 70 साल से मुनाफ्त की है, उन्होंने आज
जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लग रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नारा नहीं है, कलमा है। अगर आप कलमा का बता दिए होते कि यह कलमा है, उसका मतलब समझा दिए होते, तो आज ला इलाहा इल्लल्लाह नारा की तरह इस्तेमाल नहीं होता। हम वही काम करना चाहते हैं। लोगों को इतराज भी है, हमारे यहाँ अल्लाह अकबर का नारा लग गया जामिया में, तो लोगों को बहुत इतराज हुआ कि अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगा कैंपस में। आप कॉम्युनल करवाना चाह रहे हैं, जो कुछ लड़के जज्बाती होते हैं, हमने नहीं लगाया था, कुछ लड़के जज्बाती होते हैं लगा दिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, जब जामिया का लोगो जानते हैं, लोगो लोगो जो होता है ना, जामिया के लोगो में अल्लाह अकबर लिखा है, और जामिया के लोगों में अल्लाह अकबर लिखा है, और जामिया के पढ़ने वाले छात्र अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगा सकते, तो क्या वो एबीवीपी वाले अल्लाह अकबर का नारा आके लगाएंगे? बीजेपी वाले अल्लाह अकबर का नारा आके लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मेरा कहना यह है कि जय श्री राम का नारा लगाना संविधान की आजादी है, तो संविधान ही इसका इजाजत देता है कि मुसलमान अल्लाह अकबर का भी नारा लगाए, अपने धर्म पे चले, अपने धर्म की पूरी आजादी। लेकिन 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 अल्लाह अकबर का नारा लगा के किसी का कत्ल करना हराम है। जिस तरह से आप जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं वो गलत है, इसी तरह अगर आप अल्लाह अकबर लगा के किसी का कत्ल करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। यही आजादी है, इन्हीं आजादियों की बात करते हैं हम छात्र। किससे आजादी चाहिए? आजादी इससे चाहिए कि हमें अपने धर्म पे चलने दिया जाए, हमें अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने दिया जाए, दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों को उनके धर्म के हिसाब से चलने दिया जाए। हमने इतने दिनों में आज तक नहीं देखा, जब से वो संभाला, कि कोई मुसलमान किसी हिंदू से ये कहा होगा स्कूल में पढ़ते वक्त भी, जब उसका साथी रहा होगा, तुम जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हो, तुम राम राम क्यों बोलते हो, कोई मुसलमान का बच्चा ये बात नहीं बोलता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना है ना देखा है। लेकिन अगर एक मुसलमान का बच्चा थोड़ा सा अल्लाह अकबर का नारा लगा दे, मतलब 8 घंटा आप जिंदाबाद मुर्दाबाद लाल हरा पीला ब्लू सब नारा लगाइए, 8 घंटे के प्रोटेस्ट में, 10 घंटे के प्रोटेस्ट में आप पूरा नारा लगाइए जिंदाबाद मुर्दाबाद, 2 मिनट का अल्लाह अकबर आपको बर्दाश्त नहीं होता है। 2 मिनट का अल्लाह अकबर, मतलब ये हाइपोक्रेसी कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको हाइपोक्रेसी कहते हैं, मुनाफ़िकत है। आप सब कुछ कीजिए, हमें भी करने दीजिए, हम इसके लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, रहेगी ना। इकबाल अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि तस्कीन ना हो जिससे वो साज बदल डाला, जो राज ना रख पाए वो हम राज बदल डाला, और दुश्मन के इरादों को अगर करना है नाकाम, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको मंजिल मिले, आपको कामयाबी मिले, आपको जीत मिले, तो आपको चाल भी बदलना होगा, आपको अंदाज भी बदलना होगा, और उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के तरीकों से, उन्हीं के कहे हुए चीजों से हम उनका वार करेंगे और हम कामयाबी मिलेगी। 21 इकबाल नहीं कहा कि जलाल आतिशोर बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। आप सब लोग इनकलाब पैदा कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब हिंदुस्तान का तारीख लिखा जाएगा तो आप तमाम लोगों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। हमारी कमी यह है कि हम मायूस हो जाते हैं। एक बार के इस शेर से मैं अपनी बात पे अख्ताम तक ले जाऊंगा कि ना हो माहौल से मायूस, ना हो माहौल से मायूस, मायूसी कुफ्र है। तो आप मायूस मत होइएगा, आप डटे रहिएगा, आप लड़ते रहिएगा। इकबाल ने कहा है कि ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, जिगर में हौसलों और हौसलों में जान पैदा कर, जिगर में हौसलों और हौसलों में जान पैदा कर। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। पिछले 1.5-2 महीने से कॉपी कलम नहीं उठाया हूँ, लाइब्रेरी टूटी हुई है, आज भी नहीं खुली है, कुछ लिख नहीं पाया हूँ, कुछ बोल नहीं पाया हूँ, कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि बोलने पे पाबंदी है, लिखने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। बहुत पहले कुछ लिखा था, आज के इस समय में जो है मेरे ख्याल से खरा उतर रहा है, तो आप सुनिएगा इसको कि जिस देश के कूचे कूचे में, सर शिरकत चाहता हूँ आपके, जिस देश के कूचे कूचे में
अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहां दुख फलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हो, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जेलों में डाले जाते हो, जहां मजलूमों के खून से मैल अपने धोए जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों के लिए CAA, NRC और NPR को आवाज उठाने को कहती है।